हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। और गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम एक ऑयल पेंट फोटो एडिटिंग बनाएंगे और हमारा फोटो कुछ इस तरह का बनने वाला है। और गाइस, इस तरह की एडिटिंग आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, तो मैंने सोचा कि उन्हें इस तरह का एक फ़ोटो बनाया जाए और आपको बताया जाए कि किस तरह से इस फोटो को बनाना है। तो आज की इस वाली वीडियो में हम कुछ इस तरह का फोटो ही बनाएंगे, एंड वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। एंड गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, एंड चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर देखिए हमने अपना फोटो ओपन कर लिया गैलरी में, और गैलरी से हम अपने फोटो को शेयर करेंगे और इसको सीधा ले चलते हैं स्नैपशीट में। और गाइस, हमारा जो फोटो है वो स्नैपशीट में आ गया है, तो अभी के लिए जो इफेक्ट यहाँ पर दिख रहा है उसको हम बंद कर देंगे। एंड गाइस, देखिए यहाँ पर जो हमने फोटो यूज़ किया वो एक DSLR का है, तो आपके पास अगर कैमरे का फोटो है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसी जो इस फोटो का बैकग्राउंड है उसको हम एक CV बैकग्राउंड बनाएंगे। अगर आपके पास कैमरा नहीं है तो आप अपनी फोटो का बैकग्राउंड चेंज कर देना और फोटो के बैकग्राउंड में आप एक CV बैकग्राउंड लगाना, क्योंकि गाइस ऑयल पेंट एडिटिंग में CV बैकग्राउंड बहुत ही कमाल का लगता है। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं टूल्स में, और टूल्स में आने के बाद गाइस ट्यून इमेज में आएंगे। और यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, इस फोटो का जो कॉन्ट्रास्ट है उसको हम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसको हम कुछ इस तरह से बढ़ाएंगे, और इसकी जो सैचुरेशन है उसको देख लेना आप अपने फ़ोटो के हिसाब से। तो सैचुरेशन को हम इतना रखेंगे, और इसको देख लेते हैं अपने फ़ोटो के हिसाब से, तो इसको हम कम ही रखेंगे, ठीक है। और जो हाईलाइट है इसको देख लेते हैं, तो हाईलाइट को यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ पर कम रखेंगे, और शेडोज़ को भी यहाँ पर कम रखेंगे, ठीक है। एंड यहाँ से हम डन कर लेंगे, और फिर से चलते हैं टूल्स में। और इस बार आपको करना क्या है, डिटेल्स में आना है, और इसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम बढ़ा देंगे, और इसकी शार्पनिंग को भी हम थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा देंगे, ठीक है। एंड यहाँ से डन कर लेंगे, और फिर से चलते हैं टूल्स में। और यहाँ पर देखिए आपको एक बिगिनर वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, और इसमें गाइस जो सबसे लास्ट में 12 नंबर का इफेक्ट है उसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इसका जो सैचुरेशन है उसको हम थोड़ा सा कम रखेंगे, और इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा लेते हैं, और बिगिनर को यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है। और यहाँ से डन कर लेंगे। तो अभी हमने जो इफेक्ट अप्लाई किया है अपनी फोटो पे, उसको हम मॉडल के फेस से और हैंड से रिमूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है ऊपर, और इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको व्यू एडिट्स में आना है, और यहाँ पर बिगिनर पर सिलेक्ट करना है, और ब्रश को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब इस फोटो को हम इन्वर्ट कर देते हैं। अब आपको करना क्या है, इस फोटो को जूम करना है, ठीक है। और जो मॉडल का फेस है इससे इस तरह से हम इस इफेक्ट को हटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप भी अपनी फ़ोटो का जो इफेक्ट है वो हटा लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से हटा लेता हूँ। I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैंने रिमूव कर लिया है। अब आपको करना क्या है, इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बढ़ा लेना है। अब हम इसको मॉडल के बार्स जो ये हेयर्स हैं इनमें से इसको रिमूव करेंगे, ठीक है, इफेक्ट को। और गाइस यहाँ पर देखिए, जो मॉडल के कपड़े हैं इसके ऊपर से भी हम इस इफेक्ट को हटा लेंगे, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पर देखिए हमने इसको हटा लिया है, और इसको यहाँ से डन कर लेते हैं। अब हम बैक आ जाते हैं, और फिर से आपको यहाँ पर टूल्स में जाना है, और यहाँ पर सिलेक्ट टैब को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और आपको करना क्या है, इस तरह से मॉडल के फेस पे इस तरह से टाइप करना है, और यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम छोटा कर लेंगे, और इसका जो सबसे नीचे है स्ट्रक्चर इसको हम पूरा यहाँ पर कम कर देंगे, ठीक है। और फिर से यहाँ पर प्लस पे टाइप करेंगे, और इस बार मॉडल की हैंड पर रखेंगे, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखिए इस तरह से हैंड पर छोड़ देंगे, और इसको छोटा कर लेंगे अपने साइज़ के हिसाब से, और इसका स्ट्रक्चर कम कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसको डन कर लेंगे। अब फिर से चलेंगे टूल्स में, और फिर से आपको सिलेक्टिव में जाना है, और इस बार फिर से मॉडल के फेस पर रखेंगे हम इसको, और इसको छोटा कर लेते हैं, एंड फिर से इसका स्ट्रक्चर है इसको हम कम कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से डन कर लेंगे, ठीक है गाइस। और फिर से चलेंगे टूल्स पे, और इस बार फिर से सिलेक्टिव को सिलेक्ट करेंगे, इस बार हम मॉडल के कपड़ों पर इसको क्लिक करेंगे, और इस तरह से इसका जो स्ट्रक्चर है इसको हम बढ़ा लेंगे, ठीक है। इस बार हमें इसको बढ़ाना है, कम नहीं करना है, ठीक है। और इसका सैचुरेशन आप देख लेना अपनी फ़ोटो के हिसाब से, तो इसका सैचुरेशन हम यहाँ पर इतना बढ़ाएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देते हैं, और यहाँ से डन कर लेंगे। फिर से चलेंगे टूल्स में गाइस। अब इस बार आपको करना क्या है, कर्व में जाना है, और यहाँ पर देखिए आपको रेड कलर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से बढ़ा देना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से, और इसको यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको डाउन रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से डन कर लेंगे, ठीक है गाइस। फिर से ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर व्यू एडिट्स में आना है, और इस पर कर्व में क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ब्रश में आ जाएंगे, ठीक है।
और इस फोटो को इन्वर्ट कर दे, सॉरी यहाँ पर इन्वर्ट नहीं करना है, यहाँ पर इसका साइज़ आपको बढ़ा लेना है, ब्रश का 100 करना है और इस तरह से मॉडल के कपड़ों पे इसको हम यहाँ पर इस तरह से ब्रश करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं भी जल्दी से कर लेता हूँ। सो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने इसको भी कर लिया है और यहाँ से डन कर लेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा बैक आ जाते हैं, फिर से चलते हैं यहाँ पर टूल्स पे और यहाँ पर फिर से क्रम में जाएंगे और इस बार गाइस आपको करना क्या है, ग्रीन वाई कलर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और इसको यहाँ पर बढ़ा देना है, ठीक है, और यहाँ पर इसको हम डन कर लेंगे। और फिर से ऊपर जाना है और आपको यहाँ पर व्यू एडिट्स में आना है और यहाँ पर देखिए कर्व में क्लिक करेंगे और ब्रश को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इस बार करना क्या है, जो ये गर्ल्स यहाँ पर देखिए ये जो चश्मा है इस पर हम कलर करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ब्रश करेंगे तो इसमें भी गाइस कलर आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम इसको कर लेंगे, ठीक है, और इस साइड के ऊपर भी कर लेते हैं जो ये वाला है, और यहाँ से गाइस हम इसको जो ये गलती से हो गया है तो इसका साइज हम कम कर लेंगे और इसको यहाँ पर रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से कर लेंगे एंड यहाँ से इसको डन कर लेते हैं और यहाँ पर बैक आ जाते हैं। अब गाइस आपको करने क्या है, फिर से टूल में चलेंगे और इस बार पोर्ट्रेट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आपको यहाँ पर स्मूथ टू को सिलेक्ट करना है और जो फेस की स्पॉटलाइट है इसको हम बढ़ा देंगे और स्किन स्मूथिंग को भी यहाँ पर बढ़ा देंगे, थोड़ा सा इसको हम बढ़ा देंगे और यहाँ से डन कर लेंगे, ठीक है गाइस। और फिर से टूल में चलेंगे और यहाँ पर आपको करने क्या है, सिलेक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करना है और मॉडल के कपड़ों पर यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे एंड जो सैचुरेशन है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं अपने फ़ोटो के हिसाब से, कॉन्ट्रास्ट को यहाँ पर देख लेते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट को मैं इतना रखूँगा और इस टेक्सचर को यहाँ पर हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे एंड सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और ब्राइटनेस को देख लेते हैं, तो ब्राइटनेस थोड़ी सी यहाँ पर कम रखेंगे, ठीक है, और यहाँ से डन कर लेंगे। तो गाइस हमारा जो फोटो है वो लगभग एडिट हो चुका है एंड जो हमारा फेस है वो कितना स्मूथ हो चुका है, ठीक है। जो हमारा पहले फेस था वो कुछ इस तरह का था लेकिन हमारी फ़ोटो देखिए कितनी कमाल की एडिट हो चुकी है। अब इसको सेव कैसे करना है, देखिए यहाँ पर आपको एक डन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे एंड हमारा फ़ोटो जो है वो सेव हो जाएगा। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड आप भी अपना इस तरह का फ़ोटो एडिट कीजिए एंड मुझे टैग कीजिए इंस्टाग्राम पर, आपको इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।